सो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने जो आउटलाइन ड्राइंग है वो आप लोगों को दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख लेना। तो आज है शेडिंग टूल। शेडिंग मैं यहाँ पर शुरू करूँगा। शेडिंग का आज पार्ट वन है। आज मैं फेस का जो पोर्शन है, स्किन का पोर्शन, वो शेड करके दिखाऊंगा। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बालों का पोर्शन करूँगा। तो चलो अब शेडिंग शुरू करते हैं। सो फेस में यहाँ पर सबसे जो डार्केस्ट एरिया है वहाँ से ही कलर करना, मतलब शेडिंग करना शुरू करना है। तो यहाँ पर सबसे डार्क एरिया कौन है? आईज। तो यहाँ पर मैं 8B पेंसिल से आंखों के अंदर शेडिंग दे रहा हूँ, मतलब प्यूपिल के अंदर। अब प्यूपिल में भी देखो दो टाइप का टोन है, एक एकदम बीच का एरिया डार्क और बाहर की तरफ थोड़ा लाइट, वो छोड़ना है। उसके बाद सफ़ेद जो एरिया है, सफ़ेद एरिया को एकदम सफ़ेद नहीं रखना है, उसमें भी हल्का शेड देकर, कर्व शेड देकर करना है। ये हो जाने के बाद आंखों का जो ऊपरी पोर्शन है उसमें काम करना है। यहाँ पर देखो कैसे मैं प्यूपिल में काम कर रहा हूँ, एक बार और देख लो। कुछ कुछ एरियाज़ को हाईलाइट छोड़ना है और जो वाइट एरिया है उसमें कर्व करके दोनों साइड से शेड देना है। इससे एक 3D भाव चला आएगा आँखों में। अब ऊपर की तरफ जो आँखों का पोर्शन है, रेफरेंस फोटो में देखो उसमें थोड़ा ऐसे डार्क टोन है, ठीक है। अब ये डार्क टोन बनाना है क्योंकि ये एरिया भी डार्क है, तो इसमें मैं वही 6B या फिर 8B पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। 6B से मैं जो एंगल है स्किन में वो एंगल को पहले फॉलो कर रहा हूँ, छोटे छोटे करके स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, घिस नहीं रहा हूँ, सिंगल स्ट्रोक है और जो कर्व है उसे फॉलो कर रहा हूँ। आंखों के ऊपर देखो एक कर्व होके शेड जा रहा है, तो वो कर्व को हमें फॉलो करना है। ऊपर की तरफ मैं देखो जो नाक का पोर्शन है, नाक में ऐसे सीधा नीचे की तरफ आएगा, पर आंखों के ऊपर कर्व होके साइड की तरफ, मतलब लेफ्ट पोर्शन की तरफ चला जाएगा। जितना लेफ्ट की तरफ जा रहा है उतना जो शेड है थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस फोटो में अगर नोटिस करोगे तो वो एरिया हल्का है। अब मैं यहाँ पर जो 4-8 का पोर्शन है, ऊपरी पोर्शन, उसमें शेड दूंगा। वही 6B पेंसिल दे रहा हूँ क्योंकि डार्क एरियाज है, तो डार्क से धीरे धीरे शेड कर्व होके ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ थोड़ा हल्का होगा। यहाँ पर आप लोग 4B या फिर 2B इस्तेमाल कर सकते हो। 4-8 का जो बीच पोर्शन, बीच वाला पोर्शन है, वो एकदम ऐसा हॉरिजॉन्टल शेड होगा। तो देखो शेड धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ कुछ एरियाज मैं ऐसे व्हाइट छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें बाद में थोड़ा हल्का पेंसिल जैसे कि 2B पेंसिल से शेड देना है, क्योंकि वो हल्का एरिया है। डार्क एरियाज में 6B से दिया था। अब जो लाइटर पोर्शन है वो 8B या फिर 2B से आप लोग दो। जो शेड है वो सिंगल स्ट्रेट शेड में करो, मतलब सिंगल स्ट्रोक्स में, और ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल को ही हल्के हाथों से चलाओ तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आईब्रोज है उसमें मैं फिर से 8B से एक बेस टोन दे रहा हूँ। बेस टोन में डिटेलिंग का उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पहले फिलिंग करो, नेक्स्ट जो लेयर दोगे नेक्स्ट लेयर में डिटेलिंग में ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे देखो पेंसिल मेरा एकदम ही सुपर शार्प है। पेंसिल को अच्छे से शार्प करते हुए शेड देना है। जो अगर पेंसिल शार्प नहीं रहेगा तो जो ग्रेफाइट है वो पेपर में नहीं बैठता है। तो पेपर पेंसिल जो है उसे अच्छे से शार्प रखो और शेड दो। तो ये है बेस टोन। बेस टोन हो गया। बेस टोन के ऊपर मैं अब जो फाइनल लेयर है वो दे रहा हूँ। फाइनल लेयर के समय आप लोग जो डिटेलिंग है वो दो। सिंगल सिंगल कुछ ऐसे जो आईब्रोज का बाल है वो दिखाओ, तो उससे जो डिटेलिंग है वो चलाएगा। अब आंखों के ऊपर का जो टोन हमने लेफ्ट साइड में किया था, राइट साइड में भी सेम करना है। जो एरिया डार्क है उसमें मैं 8B से दे रहा हूँ। एंगल को फॉलो करते हुए कुछ कुछ एरियाज में देखो हाईलाइट है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद एरिया है, उसे सफ़ेद रखो। और एकदम लेफ्ट राइट पोर्शन जो है उसमें थोड़ा हल्का ही होगा, तो वहाँ पर आप लोग 2B 8B ऐसे पेंसिल से कर सकते हो। नाउ सेम टेक्निक से गालों में शेड देना है। गालों में नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ शेडिंग देना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। 2B पेंसिल इस्तेमाल करो, कुछ कुछ एरियाज में 4B इस्तेमाल कर सकते हो। अब गालों का मूवमेंट देखो किस तरफ से, नीचे की तरफ से ऊपर कर्व होके ऐसे राइट साइड में चला गया है। नाक में भी बीच का पोर्शन को ऐसे वाइट ऐसे हाईलाइट छोड़ना है और दोनों साइड में ऐसे एंगुलर करके शेड देना है। पूरा शेडिंग यहाँ पर 2B से ही चल रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं है। सिर्फ नाक का जो नीचे का पोर्शन है वो एरिया में थोड़ा 4B इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो नाक का पोर्शन हो गया है। राइट साइड का जो स्किन का पोर्शन है उसमें देखो वही 2B से एंगल कैसे फॉलो कर रहे हो, एंगल को फॉलो करते हुए शेड देना है। यहाँ पर मैं रियल टाइम में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितना स्लोली मैं शेड देता हूँ। सिंगल सिंगल करके स्ट्रोक्स देना है, आपको घिस नहीं देना है, एक एक करके सिंगल स्ट्रोक्स देना है। घिस दोगे तो टेक्सचर नहीं डेवलप होगा, आपका ड्राइंग बहुत ही फ्लैट दिखेगा। तो सिंगल सिंगल लाइंस इतना घना करके दो कि वो इवन स्मूथ लगे, ठीक है।
स्किन को जब आप लोग शेड करो तो दो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक है एंगल, मतलब फेस का किस एंगल में शेड देना है आप लोगों को, और दूसरा है डेप्थ, मतलब डार्क एरियाज को डार्क, हाईलाइट एरिया को हाईलाइट, एंड मिड टोन्स जो है, मिड टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड टोन्स को वैसे ही रखना है। डार्क एरिया और एकदम हाईलाइटेड एरिया के बीच का जो ऐसा टोन रहता है उसे ही मिड टोन कहते हैं। तो सेम उसी तरीके से मैं जो राइट वाला गाल का पोर्शन है वो कर लिया। अब लिप्स में थोड़ा डार्क का टोन 6B से दो, ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल शेड दो, नीचे की तरफ भी वर्टिकल शेड दो, और हाइलाइट्स को छोड़ना है, जो जो एरिया थोड़ा हल्का है उसे ऐसे ही हल्का छोड़ना है। और दांत में जितना हो सके कम काम करो, ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे स्माइल कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब दांत दिख रहा है ऐसा स्माइल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में अच्छा ट्यूटोरियल बनाया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो ज़रूर देखकर प्रैक्टिस करना। अब गले में देखो एक ऐसा सुंदर टेक्सचर मैंने दिया है कर्व करके, और इसके साथ साथ देखो फेस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा जो ऐसे बालों का पोर्शन है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। सो रेफरेंस फोटो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूरी जो लिंक्स है वो भी दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करना। सो ये पार्ट आप लोगों को कैसे लगा नीचे कमेंट करके बता दो, और हाँ वीडियो को जल्द से जल्दी लाइक करो, जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ही मैं जो नेक्स्ट पार्ट है जल्दी लेके आऊँगा। सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।